वेलकम स्टूडेंट्स नाउ टुडे वी वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ एनिमल ब्रीथिंग ऑर्गन्स मतलब जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें मेन पार्ट होता है नोज नोज से हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सल करते हैं एंड लंग्स उसका प्यूरिफिकेशन करता है वैसे ही ब्रीथिंग ऑर्गन जहाँ से एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ करते हैं क्योंकि विदाउट ब्रीथिंग दे कैन नॉट सर्वाइव सो ब्रीथिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ तो ब्रीथिंग ऑर्गन ब्रीथिंग ऑर्गन कौन कौन से बिकॉज इट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स नाउ वी विल स्टार्ट लेट लेट अंडरस्टैंड ब्रीथिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसे दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड इनहेल सी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर तो ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं ब्रेथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट होता है the intake of oxygen is necessary as it helps to break down the food and release energy intake of oxygen oxygen lena kyun zaruri hai breathing is why important process oxygen hame body ke andar kyun lena hai to ye oxygen जो है वो जो हम खाना खाते हैं जो food हम intake करते हैं वो food को complex food को simple form में convert करने के लिए वो breakdown डाउन करता है नेसेसरी है ऑक्सीजन ही इसे ब्रेक डाउन करेगा और ये फूड एंड रिलीज द एनर्जी और उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है विच एनर्जी वी आर यूज फॉर अपर डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट पर्पजेज तो ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी टू अवर बॉडी इन ब्रीथिंग सिस्टम ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड ये कैसे होता है क्या होता है वो आपको हायर स्टैंडर्ड में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे आपको इतना समझना है कि इन टेक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेना क्यों जरूरी है बिकॉज इट ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी विच एनर्जी वी आर यूज फॉर अवर डिफरेंट टास्क विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज डिफरेंट एनिमल्स है अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन है हम यहाँ पे कुछ एनिमल्स के ऑर्गन करेंगे स्टार्ट। एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑन द बॉडी सरफेस नोन एज स्पाइरेकल्स इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग करते हैं वैसे ही वो लोग भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी सरफेस उनकी बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं तो वो जिसे हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं तो इंसेक्ट स्पायरेकल से ब्रेथ करता है आपको क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेंगे आ, इंसेक्ट किससे ब्रेथ करता है मतलब हाउ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्रीथिंग विच ऑर्गन इज यूज फ्रॉ इंसेक्ट फॉर ब्रेथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है कि इंसेक्ट स्पायरेकल से करता है नेक्स्ट गिल गिल इज अ ब्रीथिंग ऑर्गन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश क्रैब टेडपोल प्रॉन्स एक्सेट्रा गिल्स हेल्प दिस एनिमल्स टू एब्सॉर्व द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर गिल्स जो है वो एक्वेटिक uh, एनिमल्स जैसे होते है, फिश है क्रैब है टैडपोल uh, है ये सारे गिल्स से ब्रेथ करते हैं एंड गिल्स हेल्प दिस एनिमल्स टू एब्जॉर्ब गिल्स हेल्प करती है ये एनिमल को एब्जॉर्ब करने के लिए जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में है नॉर्मली हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला ही एच टू ओ है जिसमें ऑक्सीजन होता ही है बट ये ऑक्सीजन जो एयर से लेने वाले थे वो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स वाटर से ले रहे हैं जो वाटर में डिजोल्व फॉर्म में है क्लियर तो एक्वेटिक एनिमल्स किससे ब्रेथ करते हैं गिल अभी यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल है वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जांपल्स पूछे जाएंगे और गिल्स से गिव टू एग्जांपल में भी पूछे गए नेम द एनिमल्स विच ब्रेथ थ्रू गिल्स तो हमें याद रखना है कि फिश के अलावा टेडपोल भी है क्रैप भी है प्रॉन भी है ऐसे तो ऐसे आपको पॉइंट वाइज सब कुछ याद रखना है कि कौन सा एनिमल्स किस ऑर्गन से ब्रेथ करते हैं और कौन सा ऑर्गन उन्हें ब्रीथिंग में हेल्प करता है तो ऐसे किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि कोई भी तरह से पूछे तो हम उसका आंसर सही दे पाए या फॉल्स हो या फिलअप हो या गिव टू एग्जाम्पल या शॉर्ट आंसर तो इसे आप पॉइंट वाइज याद रखो नेक्स्ट अदर एनिमल्स लाइक द रेप्टल्स बर्ड्स एंड मेमर ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स रेप्टल बर्ड्स रेप्टल्स मतलब जो आ, अर्थ सरफेस पे आ, अर्थ सरफेस पे टहलते हैं वो रेप्टल्स बोलते हैं जो बॉडी से मूवमेंट करते हैं बॉडी से मूवमेंट करते हैं उसे हम रेप्टाइल कहते हैं क्योंकि वो आ, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्रॉलिंग करके जाते हैं जैसे स्नैक है स्नैक कैसे क्रॉल करता है तो उसे रेप्टाइल कहते हैं बर्ड्स है बर्ड्स यू नो वेरी वेल एंड मैमल्स मैमल्स आर दो विच मिल्क टू टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स जैसे ह्यूमन बींग है वो मैमल्स में आते हैं ब्रेथ थ्रू द लंग्स तो ये लंग्स से ब्रेथ करने वाले ऑर्गन बर्ड्स एंड मैमल्स द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड अभी यहाँ पे मेन फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लंग्स का फंक्शन क्या है लंग्स का फंक्शन है कि ये जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल किया था थ्रू नोज उसे ब्लड के साथ ट्रांसपर्ड के लिए ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगे लंग्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड रिलीज द कार्बन डाईऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिलीज करेंगे तो लंग्स का ये मेन फंक्शन है और मैमल्स रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर ब्रेथ थ्रू दंग्स एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टॉर्ड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ दर लाइफ अंडर द वॉटर एंड part ऑफ ऑफ इट ऑन लैंड आर called द एम्फेबियंस मतलब यहाँ पे वॉट इज amphibians करके भी क्वेश्चन आ सकता है Amphibians क्या है तो amphibians वैसे एनिमल्स well है जो लैंड एज वेल एज वाटर में सर्वाइव करते हैं कुछ पार्ट वो पानी में रहते हैं कुछ टाइम वो अर्थ पे रहते हैं तो वाटर एज वेल एज ऑन लैंड दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ आर कॉल्ड द एम्फीबियंस When यंग

तो यहाँ पे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वाटर से भी ब्रेथ करते हैं वाटर में रह के भी और एज वेल एज लैंड पे रह के भी ब्रेथ करते हैं जब वाटर में है तो गिल्स से जब ये लैंड पे है तो लंग्स से तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक कंक्लूड हो रहा है ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स ये एक नॉलेज बैंक है देखो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूज देयर बॉडी सरफेस टू ब्रेथ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सेंस के वो हम नेकेड से नहीं देख सकते ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है तो वो अपना ब्रीथिंग अपनी बॉडी सरफेस से करते हैं ठीक है क्वेश्चन आज यहाँ से ना भी पूछे तो ये नॉलेज बैंक से भी आता है क्वेश्चन तो नॉलेज बैंक आपको अच्छे से याद रखना है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किससे ब्रेथ करते हैं तो बॉडी सरफेस से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपका ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स जिसमें हमने स्पाइरकल्स किया गिल्स किया लंग्स किया और एम्फीबियंस लंग्स एज वेल एज गिल्स ये सारा हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है तो ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट हो रहा है नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स मूवमेंट इन एनिमल्स आज हम इतना ही करेंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अनलाइक द प्लांट एंड एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दिस मूवमेंट इज नोन एज लोको मोशन प्लांट के सिवा एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दिस मूवमेंट ये मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे लोको मोशन लोको मोशन मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इफ नॉट ओनली हेल्प दम टू ऑपटेन द फूड एंड गेट शेल्टर बट ऑल्सो हैम फ्रॉम द डेंजर ऑफ द प्रिडेटर्स और द नेचुरल कैलेमिटीज ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं तो नॉट ओनली इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फूड और शेल्टर के लिए ही सेफ नहीं बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डेंजर प्रीडेटर्स मतलब अपने शिकार से बचने के लिए और नेचुरल कैलॉमिटीज मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उससे बचने के लिए तो वो अपने आप को बचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके लोको मोशन करते हैं डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स डिफरेंट है मूव करने के लिए वो हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में करेंगे कि कौन से एनिमल्स क्या पार्ट यूज करता है फॉर मूवमेंट फॉर लोको मोशन अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उससे तब तक आप कीप रीडिंग कीप लर्निंग थैंक यू